कथा सुनो उस वीर की जिसने काल को हराया था। अरे शस्त्र और शास्त्र का अनोखा संगम उस ब्राह्मण देव ने दिखाया था। प्रजा पर जब नियम थोप कर क्षत्रिय वर्ण में विकृति सी आई थी, तब जमदग्नि ऋषि के घर अवतार लेकर नारायण ने लीला अपनी रचाई थी। माँ रेणु का पिता जमदग्नि ने राम नाम रखा था अपने लाल का, और आगे चलकर वही विष्णुवंश भक्त बना महाकाल का। शिव का तब जब किया भयंकर, सागर मानो काप कर अंबर से टकराया था। अरे शिष्य बनकर भगवान ने फिर महादेव का दिव्य परशु उनसे पाया था। सहस्त्र बाहु जैसे विध्वंसक योद्धा लगते उनको आम थे, अरे राम नाम संग परशु धरा तब कहलाए गुरु परशुराम थे। डोल रहे थे धरा सागर, जन जीवन में मच गया बवाल था। क्रोध था प्रचंड भगवान का, जब जब रूप धरा विकराल था। सहस्त्र बाहु ने तो त्रिलोक विजेता रावण को बंधक अपना बनाया था, पर महादेव शिष्य परशुराम से वो पार नहीं पा पाया था। विष्णुवंश दत्तात्रेय की सेवा करके कार्तिवीर अर्जुन ने सहस्त्र भुजाओं को पाया था, और उन्हीं भुजाओं के बल पर उसने भीषण विध्वंस मचाया था। कामधेनु का हरण करके ऋषि जमदग्नि के आश्रम से सहस्त्र बाहु ने काल को अपने बुलाया था, और पिता के अपमान को देख गुरु परशुराम की आंखों में रक्त उतर कर आया था। ऐसे अहंकारी कृत्य का कैसे हो जाता अंत बला, अरे नियति के देखो खेल निराले। विष्णु से वरदान को पाकर वो मूर्ख विष्णु से ही लड़ने चला। अरे सहमा था हर कोई जिसने भी रौद्र रूप परशुराम का देखा था। सहस्त्र बाहु की भुजाएं सभी काट दी, और मस्तक भी भगवान ने उखाड़ फेंका था। अरे परशुराम को ना पाकर सहस्त्र बाहु पुत्रों ने अपने कुल पर प्रश्न चिन्ह था लगा दिया। निर्ममता से ऋषि जमदग्नि का वध किया, और प्रभु परशुराम के क्रोध को था जगा दिया। रक्षक ही जब भक्षक बने तो ब्राह्मण देव ने रौद्र रूप अपना दिखा दिया। क्षत्रिय है हे वंश में पाप अधिक जन्मा था तो उसकी 21 पुश्तों को था मिटा दिया। जब रक्षक क्षत्रिय धर्म भूले तो सृष्टि पर संकट के बादल कुछ गिर आए थे। फिर क्षत्रिय कुल को धर्म सिखाने मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम धरा पर आए थे। रघुवंशी राम ने फिर से क्षत्रिय धर्म को श्वेत किया, जिसको कुछ दुष्टों ने था मलीन किया। और इसी धर्म के बल पर श्री राम ने परशुराम से विष्णु तत्व था छीन लिया। युद्ध त्याग फिर प्रभु परशुराम महेंद्र पर्वत पर तप करने को विराजे थे। द्रोण कर्ण और गंगा पुत्र परशुराम शिष्यों के डंके समस्त आर्यवर्त में बाजे थे। भृगु वंश के अचूक अस्त्र का जब कर्ण ने रण भूमि में संधान किया, महिमा देखो प्रभु परशुराम की, स्वयं गांडीवधारी ने भार्गवास्त्र का सम्मान किया। चिरंजीवी गुरु परशुराम का आज भी है सम्मान यहाँ। ब्राह्मण क्षत्रिय या वंश कोई हो, गुरु परशुराम का सब करते हैं जयगान यहाँ। जिनके शौर्य के साक्षी त्रेता और द्वापर कुछ पंक्तियों में उनका जयगान कहाँ गाया जाता है। अरे प्रभु परशुराम के तुलित शौर्य की ये तो केवल छोटी सी एक गाथा है। अरे स्वयं नारायण भी जब कल की रूप धर कलयुग में उतर धरा पर आएंगे, गुरु परशुराम को गुरु रूप में पाकर पुलकित वो हो जाएंगे। अरे प्रभु परशुराम को गुरु रूप में पाकर नारायण भी फूले नहीं समाएंगे।